जितना काम हुआ है ये मेरे सामने ही है। इंडियन एयरफोर्स से 32 एकड़ लैंड और 30.55 करोड़ रुपए का ये प्रोग्रेस कॉस्ट ये जारी कर दिया गया है। प्रोग्रेस का है, प्रोग्रेस रिपोर्ट की कॉपी मैं आपको दे दूंगा। जो पैसा नहीं मिला अभी तक 63 एकड़ का जो जमीन ये पास में बैठे लेने वाले और देने वाले आपके 106 एकड़ लैंड नगर निगम एयर अथॉरिटी को और एयरपोर्ट को हैंड ओवर कर चुकी है। ठीक है जी, पैसों का मामला हमारा इंटरनेट, पैसों का मामला इंटरनेट हमारा इंटरनल नहीं है, पर्यटन इंटरनल का है। ऐसा थोड़ी करना है आपको, नहीं नहीं रिसोर्ट पे लग चुका है। ओ महापौर साहब, काम चल रहा है। नगर निगम को या महापौर साहब को घर से नहीं देना, मंत्रालय यहाँ बैठा है, पर्यटन मंत्रालय और उड्डयन मंत्रालय, आपके घर से देना है क्या पैसा? इंटरनल कौन सा हुआ? इंटरनल अरे अमेरिका से पर्यटक आएगा वो ये कहेगा महापौर जी के यहाँ जा रहा हूँ मैं, महापौर जी का वाइट पे थोड़ी उतरेगा वो। देखिए हम सब लोग मिलकर परिवार, नहीं हम परिवार नहीं है सर, जारी किया ठीक है नहीं। लेकिन हम लोग ने एक्सेप्ट नहीं किया, इसे एक्सेप्ट नहीं किया कि जो दर थी वो दर में मंजूर नहीं थी, तो उसके हमने पुण्य राशि का लगे हम लोगों ने, वो चल रही है। मैं समझ तो आता है खत्म होने के बाद में बहुत ज्यादा पैसा आपको मिलने वाला है, उसकी फाइल लगभग अंतिम स्टेज पे है हमारी फाइल, हमने जो 106 एकड़ लैंड दी है उसके बीच में 2 बीघा लैंड प्राइवेट है, उसके लिए नोटिस जारी हो चुके हैं, एक्विजिशन काम शुरू हो चुकी है, वो भी अगले 15-20 दिन के अंदर लैंड एक्वायर हो जाएगी, उसके बाद वहाँ भी काम शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा। अभी तो कुछ नहीं है ना, इंटरनल क्या होता है, आउटरनल क्या होता है? अरे इंटरनल और आउटरनल मत करो, आप तो ये बताओ, ये मंत्री जी बैठे ना पास में, हमने पैसा जारी किया, हमने मंजूर नहीं किया, हम ठीक है ना, हमने प्रोटेस्ट की तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया प्रोटेस्ट को, और नई तरह से आपकी गणना हो रही है, 28 तक बाद पैसा मिल जाएगा हम लोगों को। पर्यटन के क्षेत्र में जोधपुर को कोई विशेष सौगात हो तो मंत्री जी बताए ना थोड़ा सा, जोधपुर शहर में अपने। देखिए जब प्रदेश में जब हम दिल्ली के मंत्री रहते हैं तो पूरे राजस्थान से हमारे पास प्रोजेक्ट आते हैं, एक जगह से नहीं आते, और मैंने बताया 348 करोड़ रुपया जिन 5 सर्किटों के लिए और 8 सर्किट अभी प्रपोजल के अंदर यहाँ पर हमारे मंत्रालय के सामने पाइपलाइन में, पाइपलाइन तो उनमें से जो काम संभावना कुछ 348 करोड़ रुपया जारी किया जा चुका है, और अन्य जो 5 सर्किट है जिनकी ये है ये मेरे सामने है, जिनकी रिपोर्ट भी आप ले जा सकते हैं कि कौन कौन से और प्रोजेक्ट है उसके अंदर, जो यहाँ का भी जोधपुर का भी सर्किट 92 करोड़ रुपए का सर्किट यहाँ का, क्या उसकी योजना क्या है, वो 92 करोड़ किस पर्पज से खर्च कर जाएंगे, कहाँ किए जाएंगे, वो कोई प्रपोजल है आपके पास? यहाँ के पर्यटन डेवलपमेंट वही तो कह रहे हैं, क्या है यही तो मैंने बताया कि आप ये डिटेल मैंने आपको बताया ना, 92 सड़कें टूटी हुई है, हेरिटेज लुक खंडित हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये जो मैंने बताया कि 348 करोड़ में तो अतिक्रमण हो रहे हैं, कुएं बावड़े पर अतिक्रमण है, प्राचीन जल स्रोत है वहाँ पे अतिक्रमण है, सफाई नहीं हो पा रही है, ये 92 करोड़ कब आएंगे और कब डेवलप होगा? क्योंकि हिंदुस्तान में जो पर्यटक आता है ना वो जोधपुर को टच करने की कोशिश करता है, ये आपको भी पता होगा, आपके पास मंत्रालय है, आंकड़े हैं, पर जोधपुर में आके वो बाकी राजस्थान भूल जाता है। 7 हवाई अड्डे किस सरकार ने चालू करे अरे हमने आपने किया है, आपने किया, आपको धन्यवाद, आपने राजस्थान का विकास किया, हिंदुस्तान का, हम तो जोधपुर की बात कर रहे हैं। इस तरह नगर निगम में कांग्रेस का बोल रहा, उस 15 वर्ष बाद मौका मिला, इन 4 सालों में जो हमने काम किया है, किसी जगह देख लो कि समय के मामले देख लीजिए, किसी मामले देख लिया आप फर्क देख लीजिए, तो उन्होंने 15 वर्ष जो काम किया, हमने 4 वर्ष जो काम किया उसका फर्क देख लीजिए। अरे अरे पर्यटन ने पूछा था तो अरे था तो इंटरनल मामला है, ये बात करा मैं, इंटरनल मामला है।